फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना रसोई ब्यूटी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है, इसमें हमें अपनी स्किन की केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो इस डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए, स्किन को फेयर बनाने के लिए मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर कर रही हूँ, जिसे आप डेली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। ये हमारे घर में ही रहने वाली चीज़ों से बनने वाली है ये फेस पैक। तो इस फेस पैक को आपको डेली यूज करना है, कोई झंझट नहीं है। बस नहाने से पहले आप इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लीजिए। कोई सोप, कोई फेस वाश आपको नहीं यूज करना है। इस फेस पैक को यूज करने से आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग ग्लोइंग और चमकदार बनी रहेगी, बिल्कुल डार्क आपकी स्किन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी इसे यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फेस पैक, तो आप लोग के साथ मैं यह शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक छोटा सा बाउल, और इसमें हम डालेंगे, हमें लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन हम जानते हैं सभी कि बेसन हमारे स्किन को बिल्कुल क्लीन करता है, बिल्कुल ये फेस को फेयर बनाता है, चमकदार बनाता है। तो इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच बेसन। ये देखिए, ये सभी घर के चीज़ों से ही बनने वाला फेस पैक है, और आप इसे डेली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ डालेंगे वो है कस्तूरी हल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, घर वाली हल्दी नहीं लेना है, क्योंकि उससे स्किन पे पीलापन आ जाता है। कस्तूरी हल्दी हमारे स्किन को फेयर भी बनाता है, और स्किन पे कोई दाग धब्बा, कोई पीलापन नहीं लेकर आता है। अगर बाय द वे आपके पास ये ना हो, तो किचन हल्दी आप बिल्कुल थोड़ी सी यूज करें। ये देखिए, मैंने ये 1/2 चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये स्किन को फेयर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है उसे भी ये ठीक करता है। फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज़ है वो है दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्या करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, चमकदार बनाता है। तो इसके बाद हम इसमें लेंगे दही, बस बेसन, दही और हल्दी, इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें यूज करना है। ये देखिए, इस फेस पैक को बनाने में कोई झंझट नहीं है, सभी चीज़ हमारे घर में भी ये अवेलेबल रहता ही है, बस इसी को हम ये अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन फेस पैक बनकर रेडी हो गया, इसे अच्छी तरह मिला लेना है। इसमें जितने भी चीज़ मैंने यूज की है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सभी हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और स्किन के लिए थोड़ा सा भी हार्मफुल नहीं है। आप इसे डेली लगाइए। तो चलिए, अब इसे हम लगाकर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस फेस पैक को लगा लेते हैं। फेस को मैंने वॉश कर लिया है, जब भी फेस पैक लगाए फेस को अच्छी तरह आप क्लीन कर लें, कोई भी क्लींजर हो क्लींजर से, नहीं तो आप सबसे अच्छा क्लींजर है कच्चा दूध, कच्चा दूध से भी आप फेस को क्लीन करते हैं। तो चलिए, इस फेस पैक को हम लगा लेते हैं। इसे एक अच्छी लेयर, पूरे फेस पे एक मोटी लेयर आप लगा लें फ्रेंड्स। नेक पर भी आप लगाएं, इसे भी आप स्किप ना करें फ्रेंड्स। अच्छी तरह, एक अच्छी तरह इसको अपने पूरे फेस पे आप इसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा ये फेस पैक है, जो आपके स्किन को विंटर में
बिल्कुल फेयर रखिएगा। इसमें जितने भी चीज़ मैंने यूज की है वो सभी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, फेस पैक को मैंने इस पूरी अच्छी तरह लगा लिया है। अब इसे हमें 10 मिनट या 15 मिनट भी आप रख सकते हैं, इसे आप रहने दें और इसे अच्छी तरह सुखा ले। जब यह ड्राई हो जाए फेस पैक, तो इसे अच्छी तरह हमें मसाज कर लेना है। उसके बाद हमें अपने फेस को बिल्कुल नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, फेस को मैं वॉश करके आपसे फिर से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फेस को वॉश कर लिया है, मेरे फेस पे एक अलग ही निखार आया है। फ्रेंड्स, ये देखिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें या तो एलोवेरा जेल लगा लें, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, मैंने जो बादाम क्रीम बनाकर आप लोग के साथ शेयर किया था, वही बादाम क्रीम मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और मैं इसे अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से लगाकर और इसे अच्छी तरह अपने फेस को मसाज करूँगी। फ्रेंड, मसाज करना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो लेकर आप लोगों के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।